एक और क्रिसमस बीत गया है और उसके साथ ही कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं कि फला जगह पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने ईसाई समुदाय के लोगों पर हमला किया या स्कूलों को क्रिसमस मनाने से रोकने की कोशिश की। 2022 में 500 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें ईसाई समुदाय के लोगों पर हमले किए गए हैं। न्यूज़ क्लिक डेकोड्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे साल 2022 भारत के ईसाइयों के लिए सबसे असुरक्षित साल रहा है। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार जी 50 रुपए और महंगा बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। 20 दिसंबर को गुजरात के वडोदरा में एक शख्स सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर चॉकलेट बांट रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें ये कहकर पीट दिया कि ये इलाका हिंदुओं का है और यहाँ क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने एक सर्कुलर जारी कर दिया और कहा कि स्कूल में बच्चों को सेंटा क्लॉज के कपड़े ना पहनाए जाएं। इस सर्कुलर में लिखा है कि भारत संतों की भूमि है, सेंटा की नहीं। 23 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक हिंदुत्ववादी संगठन के करीब 30 लोगों ने लाठी डंडों से क्रिसमस प्रोग्राम पर हमला कर दिया। हमलावरों का आरोप था कि यहां जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। पुरोला गांव की पुलिस ने पादरी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में उन्हें ये कहकर छोड़ दिया कि मामला सेटल हो गया है। उत्तराखंड में ही हाल ही में धर्मांतरण रोधी बिल लाया गया है जिसे गवर्नर ने भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से खबरें आई थी कि अकेले 18 दिसंबर को ईसाइयों पर हमले की 20 घटनाएं हुई हैं। सिर्फ दिसंबर में अब तक 41 हमले किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये हमले आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों से प्रभावित लोगों ने किए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के 10 लोग फिलहाल जेल में बंद हैं। उन पर विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। एक तरफ हमने क्रिसमस मनाया, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर लाल टोपी पहनकर फोटोज अपलोड की, लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये है कि देश के ईसाई लगातार हमले झेल रहे हैं। 26 नवंबर को यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2022 में भारत में ईसाइयों के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि 21 नवंबर 2022 तक देश भर में 511 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पिछले साल से ज्यादा हैं। पिछले साल 505 घटनाएं पूरे साल में ईसाइयों पर हमलों की हुई थी। यह आंकड़ा यूसीएफ की हेल्पलाइन पे जो शिकायतें आती हैं उस पर आधारित है। इन हिंसक घटनाओं में प्रार्थना में बाधा डालना, चर्च पर हमले, चर्च को तोड़ना, बाइबल को जलाना, पादरियों पर हमले करना वगैरह शामिल है। रिपोर्ट में बताया था कि उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं बढ़ी हैं और सबसे ज्यादा घटनाएं कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई हैं। इन सब घटनाओं का एक ट्रेंड होता है, एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न को समझिए। इलाके का कोई हिंदुत्ववादी संगठन किसी ईसाई परिवार पर, चर्च पर हमला कर देता है और उन पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा देता है। पुलिस ईसाई समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करती है, उसके बाद या तो मामला सेटल होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है या वे बिना ट्रायल के जेलों में बंद रहते हैं। धर्म परिवर्तन करने के आरोप ईसाइयों पर लगातार लगते रहते हैं और उन पर हमले भी होते हैं। इन हमलों को समझने के लिए हमने सामाजिक कार्यकर्ता माइकल से बात की। आधुनिक भारत में, आजाद भारत में इस तरह की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं। जब भाजपा सरकार केंद्र में आई 2014 में तो 150 से भी कम ऐसे हिंसा की घटनाएं हुई थी, लेकिन इस साल आंकड़ा दिसंबर, मतलब अभी साल खत्म भी नहीं हुआ है, पर करीब 550 पे आ चुका है, क्योंकि दिसंबर के महीने में ही छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कई जगहों पे क्रिसमस के सीजन पे ईसाइयों पे हमले हुए हैं। और ज्यादातर वही संस्थाओं के नाम आते हैं, चाहे वो आरएसएस के हो, चाहे वो हिंदुत्व के कोई पार्टी के हो, बजरंग दल के हो, वीएचपी के हो, इन्हीं के ही नाम बार बार आए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रासरूट लेवल पे ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि ईसाई लोग कन्वर्जन कर रहे हैं और मास कन्वर्जन हो रहे हैं और एंटी कन्वर्जन लॉ चाहिए, इस सब के होते हुए किसी कारणवश कई ये हिंदुत्व संस्थाएं कानून को अपने हाथ पे ले रही हैं और ईसाइयों पे आक्रमण कर रही हैं, और पुलिस कई बार उनकी मदद कर रही है या खामोश बैठी है या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। कई सालों से ये रुपा चल रहा है, इसलिए इन सब की हिम्मत ज्यादा बढ़ रही है। 148 जब पावर में आई और 550 अभी तक इस साल में होने में 5 गुना लगभग, आप ये सोचिए कि बढ़ोतरी हुई है,
और ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। रही बात जहां पे आपने कन्वर्जन और मास कन्वर्जन की बातें की हैं, एक भी ऐसा केस नहीं है जहां पे किसी भी इंसान को किसी कोर्ट ने किसी कचहरी ने गिल्टी फाइंड किया हो कि हाँ इस व्यक्ति ने जानबूझ करके किसी का धर्म परिवर्तन किया है। आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया है जहां पे करोड़ों की संख्या है और जहां पे आप कह रहे हैं करोड़ों का कन्वर्जन हो रहा है, तो करोड़ों विटनेस भी तो होने चाहिए कि जी हमारा फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है, पर ऐसा कोई विटनेस नहीं है। जो लोग इन बातों को कर रहे हैं वो भी VHP के, बजरंग दल के, RSS के ही चुने हुए एडवोकेट और नेता और लीडर हैं, और कोर्ट पे दबाव डाले जा रहे हैं, पुलिस पे दबाव डाले जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी के लिए किसी को कहते हैं कि वो दो वक्त की रोटी खाने के लिए अपना धर्म बदल रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये धर्म परिवर्तन का मामला है, मुझे लगता है ये भूख का और बेरोजगारी का मामला है, और इसको सरकार को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और धर्म परिवर्तन के नाटक में आके लोगों को गुमला करके इस तरह से नहीं मिसलीड मिसगाइड करना है कि ये चीजें हो रही है। ये वाकई में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति भारत में आके खड़ी हुई है। हमने देखा ही है कि देश के मुसलमानों पर कैसे लगातार हमले हो ही रहे हैं, कभी सीट के नाम पर तो कभी मीट के नाम पर। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईसाइयों पर होते ये हमले हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए टारगेट प्रैक्टिस हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने प्रोफेसर अपूर्वानंद से बात की। हम सबको पता है कि ईसाई मजहब या ईसाई धर्म यूरोप में, जब कई मुल्कों में नहीं गया था या यूरोप के बहुत हिस्सों में नहीं गया था, तब वो हिंदुस्तान आ गया था। तब से यानी ईसा के ठीक बाद से वह धर्म हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में है। एक समय ऐसा रहा कि वे लोग यहाँ के सत्ताधारी रहे जो ईसाई मत के मानने वाले थे, लेकिन भारत की हिंदू आबादी हिंदू बनी रही, बड़े पैमाने पर ईसाई नहीं हुई। जब उनके पास राज सत्ता थी तब भी नहीं। तो इसलिए यह बात तो निराधार है, आंकड़े बिल्कुल इसको साबित नहीं करते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन यह भ्रम, जैसे यह भ्रम कि मुसलमान चार शादियां करते हैं, 25 बच्चे पैदा करते हैं, आंकड़े इसको गलत साबित करते हैं, फिर भी हिंदू इस बात को मानने लगते हैं। और यह कि मुसलमानों की आबादी 2047 में हिंदुओं से बहुत ज्यादा हो जाएगी, आंकड़े बतलाते हैं कि नामुमकिन है, फिर भी हिंदू उस पर यकीन करते हैं। यह डर दिखलाकर कि आपकी संख्या कम हो जाएगी, आपकी जनसंख्या कम हो जाएगी, भारत में ईसाई बढ़ जाएंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराया जाता है। तो यह बात बहुत साफ है कि दरअसल एक ऐसा हिंदू तैयार किया जा रहा है जो मुसलमानों से भी नफरत करे और ईसाइयों से भी नफरत करे। ये हमले और इस तरह की धमकियां वैसा हिंदू तैयार करने की दिशा में एक कदम है, और दूसरे वे ईसाइयों को भी यह बतलाना चाहती हैं और मुसलमानों को भी कि वे उनका जीवन अनिश्चित है, उन पर कहीं भी हमला हो सकता है। अगर को ईसाई ना भी हो, जैसे सांता क्लॉज बनकर, हमारे बचपन से लोग सांता क्लॉज बनते थे और इसमें हमें बहुत मजा आता था, मोजे में टॉफी छिपाकर बाकी चीजें छिपाकर दिया करते थे। लेकिन अब सांता क्लॉज बनकर एक व्यक्ति मिठाई बांट रहा है बच्चों को, तो उसकी पिटाई कर दी गई है कहकर कि हिंदू इलाके में ये नहीं चलेगा, या बच्चों को आप सांता क्लॉज ना बनाया पहना है। तो यह एक तरह का संक्रापन, दिमागी संक्रापन भरा जा रहा है हिंदुत्ववादी शक्तियों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार धर्मांतरण का एक शोर मचाते हैं जो पूरी तरह से झूठ है। खुद भारतीय सरकार के आंकड़े इस बात को गलत साबित करते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि धर्मांतरण हमारा संवैधानिक अधिकार है, मैं चाहूं तो अपना धर्म बदल सकता हूं, इसको यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। संविधान ने मुझे अधिकार दिया, संविधान ने मुझे यह भी अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म का प्रचार करूं। तो मैं अभी परसों यूनिवर्सिटी जा रहा था, एक व्यक्ति वहां इस्कॉन का गीता बेच रहा था, गीता का प्रचार कर रहा था, तो किसी ने तो उससे नहीं कहा तुम क्यों गीता मुझे दिखला रहे हो, क्यों गीता मेरे सामने ला रहे हो, किसी ने उससे नहीं कहा। लेकिन अगर कोई बाइबल बांटने लगे तो उसे तुरंत पीट दिया जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यह जो दुरंगी नीति है हमारे यहाँ,
कि आप सड़क चौराहे पर गीता तो बांट सकते हैं, भगवत गीता और बाकी चीजें, लेकिन बाइबल नहीं बांट सकते, कुरान नहीं बांट सकते। बाइबल कुरान बांटना अपराध है, गीता बांटना अपराध नहीं है। यह बात जोर देकर कही जानी चाहिए कि धर्म प्रचार की आजादी भी हमें मिली हुई है संविधान में, तो आप गीता भी बांटिए, आप प्रवचन भी कीजिए। बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, तो जब बड़े बड़े प्रवचन हिंदू संत दे सकते हैं, तो ईसाई पादरी क्यों नहीं दे सकते हैं प्रवचन? क्यों उनको रोका जाए, क्यों मुसलमानों को रोका जाए, यह सवाल कोई नहीं करता। तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ईसाइयों का संवैधानिक अधिकार है उनका धर्म प्रचार करना, और किसी का भी संवैधानिक अधिकार है धर्म परिवर्तन करना। इन 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 बातों को भी जोर देकर कहना चाहिए। यूसीएफ की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 4 सालों में ईसाइयों पर ये हमले बढ़े हैं। जहां 2028 में ये हमले 292 थे, इस साल नवंबर तक ही 511 हमले ईसाइयों के खिलाफ किए गए हैं। ईसाई समुदाय के लोगों का ये भी कहना है कि जो धर्मांतरण रोधी यानी एंटी कन्वर्जन कानून है, वो 12 राज्यों में फिलहाल मौजूद है। उस कानून से फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी खतरा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए newsclick.in। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया।